नवोदय विद्यालय क्लास 9 इंग्लिश मीडियम और नवोदय विद्यालय क्लास 9 हिंदी मीडियम दोनों के सिलेबस के बारे में एक एक चैप्टर एक एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और शेयर करना, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, ये सारा सिलेबस आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा या फिर इसकी पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट allrounderbsf.com के ऊपर मिल जाएगी। बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। 100 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 100 मार्क्स के, 100 नंबर के 100 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको चार सेक्शन मतलब कि 4 सेक्शंस, 4 भाग आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपके मैथमेटिक्स मतलब कि गणित का, जहां पर आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपके आता है साइंस मतलब कि विज्ञान का, जहां पर भी आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मतलब कि 35 प्रश्न। और उसके बाद आता है आपके भाषाएं मतलब कि एक तो आता है आपके हिंदी, जहां पर आपको 15 क्वेश्चंस 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और एक आपके आते हैं इंग्लिश, जहां पर भी आपको 15 क्वेश्चंस मतलब कि 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है, इसका सारा कोर्स फुल कोर्स हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर आप, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा चुका है, साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश। तो भाई देर मत कीजिए, अभी इंस्टॉल कीजिए और परचेज कीजिए अपना फुल कोर्स। बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में। सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स। सेकेंड चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। थर्ड चैप्टर है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। फर्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फिफ्थ चैप्टर है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। छठा है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके अंदर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके बाद है आपका एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। इसके बाद है आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सरफेस एरिया, आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है ना, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद है आपका लास्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का डेटा हैंडलिंग, जहां पर आपको बार ग्राफ वगैरह इन सब के बारे में जानना होगा। ओके, ये था आपका मैथमेटिक्स मतलब कि गणित का सारा कॉन्सेप्ट। बात करते हैं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। साइंस के अंदर आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दूसरा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फिर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देन है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, या फिर आप इसको कह सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि जो आपका सेल वाला चैप्टर है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद है आपका फोर्स एंड प्रेशर। इसके बाद है आपका फोर्स एंड प्रेशर, जिसके अंदर आपको फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद है आपका साउंड, मतलब कि जिसके अंदर आपको ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस, पिच, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद है आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स। और उसके बाद है आपका पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एंड लास्ट है आपका सोलर सिस्टम, जहां पर आपको स्टार्स एंड एक्सेट्रा के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज, जो कि है हमारी इंग्लिश।
सबसे पहला हमारा इसके अंदर चैप्टर रहेगा कंप्रेहेंशन, मतलब कि अनसीन पैसेजेस। सेकंड है यहाँ पर हमारा वर्ड एंड सेंटेंसेस। थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर स्पेलिंग। फोर्थ है हमारा रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स। फिफ्थ है हमारा पैसिवेशन। सिक्स्थ है हमारा यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। सेवंथ है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। एट्थ है हमारा यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। नाइन्थ है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और फिर टेंथ है हमारा टेंस फॉर्म्स। ये है हमारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स। बात करते हैं भाषा हिंदी के बारे में। सबसे पहला वर्ण विचार और वर्तनी विवेक। दूसरा है हमारा शब्द भेद स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है हमारा पर्यायवाची शब्द। चौथा है हमारा विलोम शब्द। पांचवा है हमारा शब्द विवेक शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। छठा है हमारा पद भेद व्याकरणिक कोटि की पहचान। सातवां है हमारा पद परिचय। आठवां है हमारा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। नौवां है हमारा वाक्य रचनांतरण। दसवां है हमारा मुहावरे। ग्यारहवां है हमारा लोकोक्तियां। और फिर है हमारा अपठित बोधात्मक प्रश्न। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा हुआ नाइन्थ वाले बच्चों के लिए। भाई वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। फुल कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो